जैसे आप लोग जानते हैं दर्पण, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय। अब गोलीय में दो कैटेगरी है, जिसे हम लोग उत्तल और अवतल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव और कन्वेक्स। तो ऐसे लेंस भी है, लेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जैसा कि कल मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है जी। एक हमारा क्या होता है? कॉनकेव लेंस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अवतल लेंस। अगर बात करता हो कोई मिल गया पीछे, ठीक है जी। ये क्या है? कॉनवेक्स लेंस। कॉनवेक्स इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। दोनों के बारे में बताया था। ये लेंस किस प्रकार से बनता है आप लोगों को ये भी बताया था ना मैं, कैसे बनता है। दो हम लोग क्या लें? गोलिये कांच लें, ठीक है ना, बता था ना ऐसे। दो गोलिये कांच लें, अगर इन गोलिये कांच को हम कलई करते, ठीक है ना। कलई का मतलब होता है मैं भर दूं, मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली उनसे, ठीक है, कि खाली है तो उस पर रख दिए। अगर इन गोलीय कांच को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि बीच में किनारे पर मोटा हो, बीच में क्या हो? पतला। कैसे बनता था? मान लो एक दूसरे के ऊपर हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक, याद रखना मैं कल बताया था, ठीक। जो भी गोला लेंगे, गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग आर वन आर टू कहेंगे, लेकिन याद रखना कि आर वन आर टू क्या होना चाहिए? आपस में बराबर। अगर आर वन बराबर होना चाहिए आर टू, इसको क्या मान लेना, कुछ मान लेना। इन दोनों को अगर हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करें, ठीक, ठीक है जी। ठीक है, इसके बीच गैप थोड़ा सा हो और ये क्या कर दें, यहां इसको और इसको क्या कर दें, मिला दें। मिला दिया हमने इसको, वैसे कर सकते हैं थोड़ा अच्छा लगे, ठीक, अच्छा लगेगा ना इसे। जब पेंसिल से आप लोग आर्ट वाले जानते होंगे ज्यादा, पेंसिल से कलर करते हैं तो रुई लगा लेते हैं, ठीक, और रुई से क्या करते हैं, इसको पूरा साइड करते हैं ना, थोड़ा सा बेहतर दिखता है, हालांकि वो भी ठीक था। अब इन दोनों को हम लोग अलग करेंगे तो क्या देखेंगे, ये बीच में ऐसे और इस प्रकार से मिला ना, ये चीज ना इस प्रकार से। ये तुमको देखकर जो रियल लेंस है उस तरह से फील नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन होता इसी प्रकार से है। हम लोग इसको खड़ा देखते हैं इसलिए ऐसा होता है। अगर आप लोग हाथ में लेकर देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से प्रतीत होगा, लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके से। जैसे मेरे पास ये है उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस आप लोग को इस तरह से रखा गया है, सॉरी अवतल लेंस इस प्रकार से रखा गया है, तो इस प्रकार तुमको ये सिर्फ दिख रहा है ना, तो पूरा दिख नहीं रहा है। जब ये अवतल लेंस हम लोग रे मतलब इस फिगर में ड्रा करेंगे तो आपको इस प्रकार से ड्रा करना रहेगा, लेकिन देखने में आपको इस प्रकार से लगेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये तो है आपका कौन सा? अवतल लेंस। इसमें बताया था कि पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है जी, जो बीच में होता है, ठीक, जैसे होता है दर्पण का, जो बीच वाला, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये इसी बिन से, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा लेंस होगा, इसका गोला अलग होगा, इसका रेडियस कुछ होगा, ठीक, इसका भी रेडियस कुछ होगा। बुकों में आपको F1 F2 करके शो करेगा, C1 C2 करके, लेकिन हम यहां दोनों बराबर मानेंगे, क्योंकि जो हमारा गोला था वो क्या था, आपस में बराबर था। तो इन दोनों को हम इस प्रकार से ले जाएंगे कि ये कहां जाए, प्रकाशी केंद्र से होता हुआ पास हो। जो हमारा सेंटर से क्या मानेंगे? सी। इसके बीच में क्या होता है? फोकस। क्या मानेंगे? F। समझ में आ रहा है ना? इसको भी क्या मानेंगे? F। उसको क्या मानेंगे? सी। तो अगर हमको अलग अलग मानना है, गोला वन गोला टू मानना है, ठीक, इसको वन इसको क्या मानना है? टू मानना है, तो इसको F1 और क्या कह सकते हैं? F2। इसको C1 C2 कह सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस।
इसको क्या कहते हैं? वक्रता, ये कहते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, इसको फोकस को फोकस ही कहते हैं। ठीक, ये तो आपका बन गया लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अवतल लेंस। ध्यान से देखो आप लोग, जब ये आपको दिखाई पड़ेगा पहचानने के लिए, तो किनारे पे मोटा और बीच में क्या होगा? पतला होगा। ये दिमाग में रखिएगा हमेशा, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? उत्तल लेंस, यानी क्या होते हैं? कन्वेक्स लेंस। इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाना है, बस थोड़ा सा फर्क वही है। इसमें क्या कहते हैं, जो हम लोग एक दूसरे को अरेंज कर रहे थे तो उनके बीच क्या हो रहा था? थोड़ा सा गैप हो रहा था, तो हम लोग इससे बना रहे थे, ठीक। लेकिन अब जब बनाएंगे तो इसमें गैप नहीं होगा, एक दूसरे का कुछ क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है ना। सुपर इम्पोज का मतलब होता है, हालांकि सुपर इम्पोज नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है पूरा पूरा एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है ना। सुपर इम्पोज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जैसे मैं अपने हाथ के बारे में बात करूं, तो अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूं तो क्या कहूंगा? सुपर इम्पोज है, मतलब हाथ थोड़ा सा पार्ट क्या है इसके ऊपर है, लेकिन मैं ऐसे कर दूं तो एक ही दिखेगा ना। तो अगर हम लोग दो चीज को इस प्रकार से रखें कि एक ही मालूम चले, तो क्या कहलाएगा? सुपर इम्पोज, ठीक है जी। लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, पूरा सुपर इम्पोज नहीं होगा, बस क्या होगा? थोड़ा सा, अर्थात इसको भी रख दिए, ठीक। इसके ऊपर आगे से क्या करें? इसमें कामन कर दिए। कामन का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए। जब रख दिए हम, भाग रहा है कि आज पढ़ के मारा जाएगा क्या? ठीक है जी, हाँ बहुत सही, कौन सही? कितना सही? ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या बन गया आपका लेंस? अभी लेंस क्या बना हुआ है? जो आपको दिखता है इस प्रकार से दिखता है, ठीक है ना, दिखता है इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से दिखता है तो बीच में क्या कर दो? छायांकित कर दो। तो छायांकित कर दिए तो क्या हुआ? पहले टकला था, अब गुरार हो गया, ठीक, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होगा? इसके प्रकाशित केंद्र से क्या करेंगे? एक रेखा ड्रा करेंगे, जो क्या कराएगा? क्या बात कर रहे जी, क्या बात कर रही हो? दिख नहीं रहा है तो मुझसे कहना है कि उससे कहना है? ठीक है जी, आगे थोड़ा से डाउन कर लें और पीछे थोड़ा सा। तो तुम लोग कहने आगे बढ़ते, जो छोटे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए तुम लोगों को। चलो, ये प्रॉब्लम जब तक नहीं जाएगी तब जब तक आप लोग अपने में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले हम पहुंचे ऐसा करो कि पहले हम तो क्या होगा? थोड़ा कंप्रोमाइज करो, कि छोटे बच्चे जो छोटे हाइट के अंदर आगे बैठ जाएं, या अगर तुमको आगे पीछे नहीं बैठना है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, ठीक, तिरछा कर लो। दया सुनो, इसको क्या कहेंगे? इसको भी क्या कहेंगे? प्रकाशिक, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। दिख नहीं रहा है? ए बच्चों, ज्यादा शोर करोगे तो उसको उठा के हम पटक देंगे, ठीक, मतलब ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। साइलेंट हो। अब इसका कुछ सेंटर रहा होगा, ठीक, कुछ फोकस रहा होगा, इसका भी कुछ फोकस रहा होगा, इसका कुछ पक्का ना? C1 F1 F2, हाँ सी हो तब। अब बोलो क्या किया जाएगा? इसको क्या कहते हैं? ये भी आज धोखा दे रहा है, बार बार गिर रहा है, इसको जन लग रहा है, इसको जंजीर लग रहा है। Oh,
इसकी जिंदगी उल्टी हो गई है। अब ठीक है जी, इसकी दुनिया ही बदल गई थी। क्यों दिख रहा है ना जी, इसको क्या कहेंगे? वो करता सपोज करो इसकी दुनिया पलट दू तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? दंकरे है। अभी इसकी दुनिया पलट दिया था तो फोसक हो गया था, अब इसकी दुनिया पलट देता तो दंकरे हो जाएगा। कोई बात नहीं, दुनिया मत पलटो, रहने दो ठीक है। इतना जब आपने बनाना सीख लिया, आपका लेंस कितने पार्ट में हो गया? दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक होता है, एक होता है। अच्छा अवतल और उत्तल कह रहे हो तो दोनों में फर्क हो रहा है ना? क्या फर्क हो रहा है? जो अवतल कह रहे हो, जो ये कहां पहुंच गए? अभी यहां पर पहुंचे। देखो जब हम लोग बात बोल रहे हैं अवतल, ठीक, तो अवतल कह रहे तो मुंह खुल रहा है, अंदर गड्ढा हो जा रहा है, तो इसका मतलब जो गड्ढा है वो और जब उत्तर क्या क्या हो रहा है? मुंह बंद हो जा रहा है। जब मुंह बंद मतलब क्या हो रहा है? उभरा, उभर जा रहा है। जो उभरा होगा क्या था उसको? उत्तल। जो अगर हम अवतल कह रहे हैं तो गड्ढा हो जा रहा है तो अवतल, अगर उत्तर कह रहे तो मुंह बंद हो जा रहा है तो मतलब उभर जा रहा है ना, इसको क्या कहेंगे? उत्तल। कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने दर्पण की, अब दर्पण हमने सॉरी लेंस बना लिया, लेंस बनाने के बाद ये तो हमको दिख रहा है कि लेंस ऐसे बन जाएगा ठीक, लेकिन सपोज करो अगर तुम्हारे हाथ में लेंस दे दिया जाए कैसे पहचानोगे? कहोगे भाई मोट बा है, भाई कितना पतला बा है, कहोगे ना? लेकिन सपोज करो यहूं मोट बा है और यहूं मोट बा है, लेकिन दोनों में फर्क बा है। का फर्क बा है? हाँ भाई बीच में बा है, किनारा बा है। मतलब लेंस के पहचान का तरीका है, अगर अवतल है तो बीच में पतला, किनारे पे मोटा, ठीक आप लोगों के सामने है ठीक, और उत्तल बीच में मोटा किनारे पे पतला, ऐसा कौन होता है? ऐसा लेंस होता है ठीक है जी। अब लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जैसे एक तुमको पूछे कि वक्रतकेंद्र क्या होता है, तो लेंस जिस गोलीय पाट का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसके त्रिज्या को करता केंद्र, या उसके केंद्र को करता केंद्र कहते हैं। तो उससे कोई पूछे फोकस क्या होता है, तो वह करता केंद्र और प्रकाशिक, यहाँ क्या बात करेंगे? प्रकाशिक, वहां ध्रुव से बात करते थे, यहाँ क्या बात करेंगे? प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सेम एज यूजुअल यहां भी है, तुमसे पूछे जो लेंस का सबसे बीच वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। कोई दिक्कत नहीं आता ना। अब हमने देख लिया लेंस, लेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका फोकस कैसे करेंगे ठीक है ना। अगर हम लोग किसी के बाद बात करेंगे रे डायग्राम के बारे में, किसके बारे में? रे डायग्राम, किरण आरेख के बारे में। तो आपको बताया गया किरण आरेख कैसे होता है, आपको पता है कि किरण आरेख हमेशा बाई ओर से दर्शाया जाता है या डबा किया जाता है? किरण आरेख किस तरफ से डबा किया जाता है? बाई ओर से हमेशा। तो बाई ओर आपको साइन कन्वेंशन हम लोग को बताया गया था, तो हमेशा किसी वस्तु को बाई ओर रखेंगे, किरणें वहां से ड्रा करेंगे। देखो अगर सपोज करो कि आदमी खड़ा हो ठीक है ना, डांस करता हुआ कोई आदमी खड़ा हो ठीक, आदमी खड़ा है, या सपोज कर लो हमने यहां पर ऐसे कहके एक वस्तु रख दिया ठीक है ना, अब मान लो ऐसे वस्तु रख दिया, अब अगर चाहे वस्तु रखो और चाहे मना ही रखो ठीक, अरे प्रकाश किरण इसके ऊपर भी टकराएंगी और प्रकाश किरण इसके ऊपर भी टकराएंगी, अगर टकरा रही है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वस्तु है वस्तु नहीं है? तो वस्तु का मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, क्या होता है वस्तु से पदार्थ कहते हैं, वो पदार्थ होता है चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो किसी भी पदार्थ, तो चाहे आजीवित हो चाहे अजीवित, मतलब निर्जीव हो चाहे सजीव हो, दोनों क्या होते हैं? वस्तु होते हैं।
अगर पैर दिख रहा है तो पैर इन लोग बात करेंगे, आदमी दिख रहा है तो आदमी, और शैतान दिख रहा है तो दिखता ही नहीं है तो क्या करेंगे, दिख रहा है तो ठीक है जी। तो हमेशा चाहे वस्तु रहे चाहे आदमी रहे, ठीक, चाहे पैर रहे चाहे मन ही रहे, उसको हम लोग एक तीर से करेंगे, किससे, एक तीर से, ईमान के चलेंगे कि वस्तु क्या है, एक तीर की तरह, समझ में आ रहा है ना। चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद, किरण आ रहे बेटा इसको, चलो जाओ पानी नहीं पी लो, लड्डू रखा होगा तुम्हारे लिए। हाँ 15 अगस्त के दिन, सही बात कह रही है, 15 अगस्त लड्डू बना के जान दो कैसे करेंगे, अरे बहुत गर्मी होती है यार, बहुत गर्मी होती है यार, ऐसे कह दी बहुत गर्मी होती है यार, होगा ना ऐसा, खाता तो हूँ अनजान में कौन क्या डालता है, लेकिन हम लोग देखते हैं फिर भी कहते क्या ठीक है खा लेते हैं। अरे इसमें, अरे मान लो कि 1000 लड्डू बनाया है तो किसी 2 लड्डू में लगा होगा ना, अब 2 की वजह से बर्बाद नहीं कर सकते है ना, तो चाहे ऐसे कैसे किए रहे और चाहे ऐसे किए रहे, ठीक खाना है, चलो ध्यान दो, अब ऐसा मत सोचना आप लोग कि सर जी कह रहे हैं तो ना ही खाओ, बहुत बच्चियां होती है नहीं हमारी स्वागत नहीं तो हम ना ही खाओ, लेकिन लड़के ऐसे नहीं होते, सब लड़के सीधे होते हैं, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है, सिर्फ बच्चियां ही होती हैं तो कहती हम ना ही खा के देते, लड़के साथ आरुआ वसो चाहे जल, अरे नहीं लड़के अच्छे होते हैं कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, चलो साइलेंट हो, चलो मुद्दे पे आते हैं, लड्डू खा लेना बाद में, इस बार हम किसी एक बच्चे को रख देंगे कि जैसे पसीना पूछेगा तो एक बाल्टी पानी लिया रहेगा उसके ऊपर गिरा देगा, पसीना नहीं पानी लगे, क्यों वैसे यहाँ प्रिक्यूशन नहीं होता है, वैसे हाथ में पन्नी लगा के भी लोग दबाते हैं, पन्नी समझते हो ना, हाथ में ग्लास आता है पन्नी वाला, लेकिन यहाँ नहीं, कहते इतना कुछ बनावे एक बार क्या वही, सपोज को जब तक स्कूल में हो तब तक देख रहे हो, जब स्कूल चले गए तब, चलो तो हम लोग बात करते हैं और पड़ा उत्तर के किरण आर एक के बारे में, ठीक, तो एक तरफ बात करेंगे क्या अवतार और एक तरफ, उत्तल, ठीक है ना, लेकिन इसके पैरेलल जब अवतल होगा तो हम क्या बताएंगे, ठीक, ये अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस, इसके पैरेलल हम साइड में ग्रह आरेख के साथ साथ, ठीक नहीं है इधर नहीं, ज्यादा बड़ा बना दिए क्या, चलो अच्छा देखते हैं, इसका प्रकाशी केंद्र है, यहां से ड्रा करेंगे, ठीक, इसका प्रकाशी केंद्र ये है, यहां से ड्रा करेंगे, ठीक हो गया, ये मान लो एफ है, ये क्या है सी है, ये एफ है क्या है सी, एफ है ये क्या है सी, हम एफ सी कह रहे हैं याद रखना, एफ वन सी वन भी कहीं बुक में लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो एफ और सी, आपको पता है केस हमारे कितने होते हैं 6, ठीक है ना, लेकिन हम लोग अवतल में कितना देखेंगे, सिर्फ 1, अवतल में कितना केस, क्योंकि ए जैसा एक होता है वैसा सब होता है, बस थोड़ा सा दोनों में क्या होता है थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इसमें कितना देखेंगे 6, इसमें कितना केस 1 केस, इसमें कितना केस 6, तो 6 केस आपने देखा था किसमें, अवतल दर्पण में ना, तो अवतल दर्पण कैसे था, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ना इतना भी छोटा अच्छा नहीं है,
ठीक है जी। ठीक है जी, इसके एक बिल से क्या करते हैं हम लोग, किरण ले जाते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। एक आता फोकस, एक क्या होता है, इसमें होता है ना। इसमें बात करेंगे हम लोग किसके किसके बारे में, वन कैसे रहेगा, इसमें कैसे होता था, इस प्रकार से ना। ये क्या है, ध्रुव, ये फोकस। ठीक है जी, इसमें क्या था, इसमें जब हम वस्तु को कहीं भी रखते थे, क्या कहते हैं, कहीं भी रखते थे, तो इसमें रे ड्रा करने का नियम क्या था, रे ड्रा करने का नियम था, सबसे पहले किरणें आती हैं, ठीक, टकराएंगी, टकराने से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो जब इसका समांतर किरणें आती है तो कहां से पास होती है, लेकिन ये फोकस से पास नहीं होता, फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती है, समझ में आया ना। दूसरा कहां से आते हैं, दूसरा जाते प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से जाते हैं तो किरणें क्या होती हैं, परावर्तक तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आती हैं, लेकिन ये वापस नहीं आते, वापस आती हुई प्रतीत होती है। दोनों यहीं पर काट रहे हैं ना, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतीक बनेगा। अब वस्तु को चाहे दूर रखोगे चाहे पास रखोगे, हमेशा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। तो इसीलिए हम लोग मान लेते थे कि जैसा एक केस होगा वैसे सभी में होगा। इसी प्रकार आपका कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब फोकस और किसके बीच में बनेगा, प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, इसमें हम जो पढ़ते थे तो कहते हैं परावर्तन के पश्चात, क्या कहते हैं, परावर्तन के। इसमें क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, इससे भी माध्यम में पचरा आ रहा था। जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, और जब टकरा के वापस आती है तो परावर्तन कहते हैं। तो यहां हम बात कर रहे थे परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है। हम देख रहे हैं जब उत्तल में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, और कैसा बन रहा था, आभासी। इसी प्रकार ऐसे हम लोग उत्तल में, ठीक है ना, सॉरी अवतल लेंस में वस्तु को चेहरे जहां से रखेंगे, रे डायग्राम ड्रा करने का वही नियम है, सबसे पहले मुखच के समांतर लेंगे, तीन नियम है, ठीक है ना। वैसे दो नियम यहां इसमें याद रखना है, मुखच के समांतर ले जाएंगे, ये क्या होगा, या तो क्या होगा, कन्वर्ज होगा, या तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा। तो अवतल लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, इसके बारे में बात हमने की है, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। अच्छा, कौन बताएगा कि कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, अपसारित, और कन्वर्ज का मतलब अभिसारित। अपसारित मतलब होता है, और अभिसारित, ठीक है ना। तो ये अपसारित और ये अभिसारित है, मतलब डाइवर्ज कर दे रहा है, ठीक, फैला दे रहा है। कन्वर्ज मतलब सिकोड़ दे रहा है। तो फैलाने को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल, और सिकोड़ने को उत्तल कहते हैं। ठीक है जी, अब देखेंगे, हम लोग बता रहे थे कि एक मुखकच के समांतर ले जाएंगे, अगर किसी भी लेंस से टकराता है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। कन्वर्ज होके अगर हमारा उत्तल लेंस से बात कर रहे हैं तो फोकस से पास होगा, अगर अवतल में बात कर रहे हैं तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, कहां से, ये तो समांतर जाएगा, दूसरा कहां जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र जब किरणें जाती हैं तो सीधा क्या होती हैं, निकल जाती हैं, कहीं पर मूर्ति नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसलिए इसमें डरा नहीं किया जाता, मान लिया जाता है कि क्या जा रही है, सीधी जा रही है। ठीक है जी, इसमें अपवर्तन थोड़ा सा होता है जब कहां जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, तो इसलिए मान लेते हैं कि क्या जाता है, सीधा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मुखच के समांतर ले जाते हैं, ठीक, कहां जाते हैं, चाहे अवतल मुखच के समांतर ले जाते हैं, अगर उत्तल है तो कन्वर्ज होगा। यही चीज हम लोग किसके बारे में बात करें, अगर अवतल के बारे में बात करें, कहां रखें, यहां रख दें, अगर हम लोग किसमें बात करें, अवतल में तो क्या होगा,
ये ट्रायंगल का समांतर क्या आ जाएंगे, डिफरेंट जाएंगे। देखो ये कन्वर्ज हो गई ना, फैल गई है, इधर क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। तो अपवर्तन के पश्चात अगर सिकुड़ रही है तो उत्तल है, फैल रही है तो अवतल है। तो इसमें जब बात करेंगे हम तो एक किरण कहां जाएंगे, मुखज के समांतर ये ले जाएंगे ना, जब मुखज के समांतर ले जाएंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तुमको लगेगा कहां से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है। दूसरा जब उसके समांतर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, फैल जाएंगी। जब फैल जाएंगी तो इसको आगे थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको भी क्या करेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो जब मुख अनंत पर आएगा तो प्रतिम कहां बनेगा, फोकस बनेगा, कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। याद रखना जिस तरह उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और कहां बना था, वक्रता केंद्र के बीच बना था, उसी प्रकार इसमें भी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा बात करते हैं हम किसके बारे में, उत्तल के बारे में। एक मुखज के समांतर आएंगी, टकराने का क्या होगी, फोकस से पास होंगी, इसमें फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती थी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती थी, ठीक है जी। इसको ले जाएंगे तो कहां पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है जी। ध्यान से देखो, हम अवतल सॉरी उत्तल लेंस में सभी रे डायग्राम के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कितना देखेंगे, एक ही देखेंगे, ठीक है जी। इसका हम लोग कंपेयर किससे कर सकते हैं, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस का अवतल दर्पण से, और अवतल लेंस का उत्तल दर्पण से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम एक को मिटाते हैं ताकि दूसरा वाला समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। देखो थोड़ा सा मिटाते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसलिए जगह नहीं बचता, नहीं एक एक करके बात करते हैं। कितना केस होता है, छह केस होता है। तो छह केस के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले वस्तु कहां होना चाहिए, तुम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस में क्या आ रहे, किस बच्चे को पता है, क्लास में हुआ भी, उत्तल लेंस में याद करने का तरीका तुम लोग को बता देंगे। जैसे आप लोग जानते थे कि जब अवतल में होता था तो जैसे जैसे हम लोग क्या रहते थे, दर्पण के पास जाते थे, प्रतिबिंब क्या होती थी, दूर जाते थे। जैसे जैसे हम लोग वस्तु को दर्पण के पास रखते थे, प्रतिबिंब उतना दूरी पर बनता था। इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो कैसे। पहला केस क्या है, जब वस्तु कहां पर हो, यही तो है ना, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। इसमें बनाते हैं थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है ना जी। अनंत पर हो तो मान लीजिए यही कहीं पर है, ठीक, कहां ले जाएगा, मुखज के समांतर, या अपवर्तन के पश्चात कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है जी, फोकस से पास कर दो। मैं बताया था जब अनंत पर आएगा तो दोनों को क्या लाएंगे, मुखज के समांतर ही लाएंगे, कहां से पास होगा, फोकस से। तो जब आपका उत्तल लेंस में वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें देखेंगे प्रतिबिंब जो होगा, ठीक, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है ना। जब किरणें मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो पक्का वो कैसा होगा, उल्टा होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर उल्टा है तो पक्का इसमें अगर फोकस बनता क्या होगा, बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा होगा, समझ में आ रहा है। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो ऐसा किस दर्पण में होता था, अवतल दर्पण में, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है बताओ, जब वस्तु कहां रखा हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो मान लो वक्रता केंद्र पे ए है, यहां पे ए है, ठीक है ना,
द्विआधान दो कर्ता केंद्र के बीच, मैं वहीं रखता हूँ, बताओ कैसे बनेगा ये, बना लोगे ना? मुकज के समांतर लगाएंगे, कहाँ से पास होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा किसके पश्चात फोकस पास होगा? अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन यहाँ नाम नहीं लोगे, ठीक है जी। दूसरा केस कहाँ से पास करेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो सीधा अपने मार्ग से क्या जाएगा? बिना विचलित हुए वापस चला जाएगा, ठीक है जी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऐसा तब में ऐसा अवतल दर्पण में होता था, जब वस्तु अनंत पर रखते थे फोकस बनता था, जब थोड़ा सा पास लाते थे तो फोकस और केंद्र के बीच बनता था। तो इसमें वही चीज बन रहा है ना, तो इसमें क्या होगा प्रतिबिंब? बताओ जी, कौन बताएगा प्रतिबिंब कैसा है? क्यों वास्तविक है? क्योंकि मिल रही है ना, कि मिलते ही प्रतीत हो रही है, ठीक, वास्तविक है क्या? और कैसा है? और क्या है? छोटा है, ठीक है ना, क्या है? छोटा। अगला केस में तुम लोग बताओगे, ठीक। अगला केस में तुम लोग बताओगे कहां पर रखा हो? केंद्र पर। बताओ क्या होगा इसमें? समांतर ले जाएंगे, कहां से पास होगा? पर्तन के पश्चात फोकस से पास होगा, ठीक। दूसरा प्रकाशी केंद्र जाएगा, कहां से पास होगा? हाँ, प्रकाशी केंद्र से जाएगा और पर्तन के पश्चात कहां मिलेगा? वो करता केंद्र पर। वो करते केंद्र पे कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है ना दोनों किरण। जब यहां किरण मिल रही है तो क्या होगा? अब इसमें बताओ क्या होगा, बताओ कौन बताएगा? वास्तविक उल्टा। बहुत सही, जो प्रतिबिंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? वास्तविक उल्टा वस्तु के, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला केस, कहां पर हो? वक्रता केंद्र फोकस के बीच। मान लो फोकस ये है, वक्रता केंद्र क्या है? सी है। फोकस ये है, वक्रता केंद्र क्या है? सी है। अब इस पर कहां रखते हैं? इसके बीच में रख दिए, समांतर जाएगा, कहां से पास होगा? फोकस। दूसरा कहां से आएगा? प्रकाशी केंद्र से सीधा क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो क्या बनेगा? अनंत और समझ में प्रतिबिंब कैसे बनना है? इसमें जैसे पास हो रहे हैं वैसे प्रतिबिंब कहां भाग रहा है? दूर भाग रहा है। अब देखो इसमें हम लिखना प्रतिबिंब, तो कैसे लिखेंगे प्रतिबिंब? कोई एक बच्ची बताए, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा ना, समझ में आया कैसे हुआ? बाकी दो केस बचा हुआ है, दो केस आप लोगों को बता देंगे हम कल, या अगर आपने उत्तर दर्पण देखा होगा तो उत्तर दर्पण जैसा होता है ऐसा इसमें भी होता है, एग्जैक्ट होता है। तो याद रखना, यहाँ याद करने की ट्रिक है कि अगर याद करना है किरण आया कैसे रहेगा, तो याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है बोलो जी? आ, ठीक है ना, आ, ठीक है, और आऊ है, हुआ, ऐसे याद कर लो। जैसे मान लो मैं बुला रहा हूं, ठीक, मैंने कह दिया हुआ, तो कह रहा आऊ, मैं उसको बोल रहा हूँ वो उसको कह रहा है, मैं कह रहा हूँ हुआ, ठीक, तो क्या कहेगा? आऊ। तो अगर हुआ तो क्या कहेगा? आऊ। तो हुआ मतलब जैसा उत्तल से बनता है वैसा अवतल दर्पण में, ठीक है, इसका उल्टा कर सकते हो, क्या कर सकता हूँ? आऊ या हुआ, दोनों तरीके याद कर सकते हो। हाँ, अगर हम लोग दर्पण और उत्तर, ये लेंस किसमें है? लेंस से दर्पण में, लेंस से दर्पण से सूत्र है, ठीक है ना, उत्तल लेंस का अवतल दर्पण,
अवतल लेंस का उत्तल दर्पण, ठीक। तो एल लेंस क्या है, दर्पण याद करने का ट्रिक है। अगर तुमको दर्पण से लेंस याद करना है तो आऊ, ये क्या था लेंस से दर्पण। इसको देखो, जब हम लोग दर्पण से लेंस के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, लेंस मतलब दर्पण और लेंस में क्या संबंध होता है, तो आप कहोगे आऊ, क्या कहोगे आऊ और बुआ, ठीक है ना, बुआ नहीं, ठीक है ना, आऊ और उआ। लेकिन अगर तुमसे कहे लेंस और दर्पण में तो उआ आऊ, समझ में आ रहा ना, तो दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन दिमाग में रखना, ठीक, पक्का, कोई दिक्कत नहीं आता। ये दो केस बचे हुए हैं, दो केस आप लोग देख लीजिएगा, तो हम कल इसके बारे में क्या करेंगे बता देंगे।